भाइयों एक बात बताता हूँ आपको मैं, मेरा अभी किसी के साथ मीटिंग था एक्चुअली, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, सुन लो यार, आई थिंक ये इम्पोर्टेंट है। बात ऐसी थी कि जो मतलब क्लाइंट था बड़ा रिजर्व टाइप का था, रिजर्व समझते हो, मतलब बातें मतलब खुद बनाना पड़ रही थी उसके सामने। तो और ऐसा मतलब ये मतलब सेशन था कि अगर मैं उसको हल्का सा भी टाइम दे देता ना, अगर मैं उससे बात ना करता, लगभग पौना घंटा बात चली है ये, अगर मैं उसके साथ हल्का सा भी 5 मिनट का भी ब्रेक ले लेता ना, तो उसका दिमाग जो था डाइवर्ट हो सकता था। यार मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे को ऐसे ऐसे टॉपिक मतलब जनरेट करना पड़े, बात मतलब मेरे को खुद बनाना पड़ी, इवन दो कि मेरे को बच्चा भी बताना पड़ गया कि मेरा 3 साल का बच्चा भी है। तो ये मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो मतलब एज ए सेल्स के लिए आपको, जैसे आप जाएंगे, आपको मतलब ऐसा उसको एंगेज करना है, क्योंकि उसका जो प्रोसेस हो रहा था ना उसमें टाइम लग रहा था, उस वजह से जो बात थी ना वहाँ टाइम लग रहा, क्योंकि उसका प्रोसेस हो रहा था चंडीगढ़ में, उस वजह से उसके कुछ मतलब वेरिफिकेशन हो रही थी डॉक्यूमेंट्स की, उस वजह से उसको मुझे एंगेज करना था। तो मेरे को ऐसे ऐसे टॉपिक क्रिएट करना पड़े कि जिससे वो एंगेज रहे, क्योंकि अगर वो एंगेज ना रहता तो उसका जो सोचने का दायरा था ना वो कहीं और जा सकता था, नेगेटिव हो सकता था। तो गाइस कहीं भी आप जाओ तो उसको मतलब पहले से ही मतलब आपके पास टॉपिक्स होने चाहिए कि करंट हॉट टॉपिक्स क्या चल रहा है, वहां का क्या सिस्टम है, कनेक्ट होना चाहिए पूरा। लाइक जैसे अब ये मैं हूँ जम्मू से, तो जम्मू से था क्लाइंट, मगर ये जो क्लाइंट था वो कश्मीर से था, तो जम्मू की जो वो अपनी कल्चर है और कश्मीर का कल्चर बिल्कुल डिफरेंट है। तो कश्मीर में क्या था कि मैं कश्मीर में रहा हूँ, मुझे पता था थोड़ा बहुत, तो उससे मैंने रिलेट कर लिया। सीरियसली ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको कस्टमर को एंगेज करना है, एंगेज उसको पॉजिटिव वे में करना है कि आपको कस्टमर जो है आपका वो सोचे ना उस समय, क्योंकि जो भी है उसी समय होना है। तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, अपने आप को मतलब टॉपिक ज्यादा लेके जाओ, मतलब टॉपिक मतलब आपके पास बात करने के लिए टॉपिक होना चाहिए कि आप क्या बात करोगे जिससे वो एंगेज हो जाए। मेरा कस्टमर बड़ा ज्यादा मतलब वो रिजर्व टाइप का था, ये नहीं मैं बोल रहा कि बड़ा ज्यादा मतलब वो मतलब इंटेलेक्चुअल था, इंटेलेक्चुअल नहीं मतलब रिजर्व था, तो इस हिसाब से मतलब वो जनरेटिंग कर पा रहा था वो बात खुद से, तो मेरे को खुद से करना पड़ी, काफी ज्यादा मुझे बातें करना पड़ी उसके साथ। तो आफ्टर ऑल हो गया काम, बात हो गई है, बड़ा बड़ा डिफिकल्ट था। तो सल्यूट है इसको, भाई को जो चुपचाप करके बैठा हुआ था। सो गाइस मिलते हैं आपको, यार ऐसी जर्नी जा रही है, तो आज ऑफ है फिर भी वर्किंग हो रही है यार, लास्ट के दिन आ गए तो वर्किंग करना पड़ रही है। तो गाइस मिलते हैं आपको।